Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, this is Nitin Sharma, and today we are going to start with our exercise 5.1, question number 10. Okay? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कहां तक देखा था, क्वेश्चन नंबर 9 तक. सो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर, फर्स्ट वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. गिवन फिगर में से हमें देख के बताना है कि कौन सी पेयर जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. ठीक है, हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल टू लाइन के इंटरसेक्ट होने से होता है. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये टू लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो उससे कौन सी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रही है वो हम देखते हैं. सो एक लाइन ये रही, दिस इज लाइन वन एंड दिस इज लाइन टू. सो एंगल वन एंड एंगल फोर आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, सो फर्स्ट पेयर आपकी कौन सी रही, वी कॉल इट ए, एंगल वन एंड एंगल फोर. एंगल वन एंड एंगल फोर. ओके, देन दिस वन एंगल फाइव एंड दिस कंप्लीट एंगल दिस. ओके, एंड दिस एंगल इज द सम ऑफ टू एंगल्स विच इज एंगल टू प्लस एंगल थ्री. एंगल फाइव के अपोजिट कौन सा एंगल मिलेगा, एंगल टू प्लस एंगल थ्री, बिकॉज दिस होल एंगल इज डिवाइडेड इंटू टू एंगल्स, एंगल टू एंड एंगल थ्री. सो एंगल फाइव इज इक्वल टू, सेकेंड पेयर कौन सी रहेगी आपकी, एंगल फाइव एंड एंगल टू प्लस एंगल थ्री. दिस इज योर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पेयर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियर पेयर. आपको पेयर किसकी बतानी है अभी, लीनियर पेयर. लीनियर क्या होता है आपका, लीनियर पेयर किसे कहते हैं, यस टू एडजेसेंट एंगल्स whose sum measures 180 degree. ओके, सो हमें क्लियर यहां पे दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है. ओके, सो एंगल वन एंड एंगल फाइव आर एडजेसेंट एंगल्स, और इन दोनों का मैं एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा. सो फर्स्ट लीनियर पेयर आपकी कौन सी रही, एंगल वन एंड एंगल फाइव. एंगल वन प्लस एंगल फाइव करने पे कितना मिलेगा आपको, 180 डिग्री. अब ऐसी कोई पेयर और है, अगर आप देखोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर ये रे स्टेप कर रही है. सो एंगल फोर एंड एंगल फाइव भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, और इन दोनों का मैं एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा. सो दूसरी पेयर आपकी कौन सी रहेगी, एंगल फाइव एंड एंगल फोर. इज इट क्लियर. नाउ और क्वेश्चन नंबर 11 इज इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल वन एडजेसेंट टू एंगल टू. हमें बताना है कि गिवन फिगर में एंगल वन एंड एंगल टू आर एडजेसेंट और नॉट, एंड गिव रीजन, और उसका रीजन भी देना. ओके, एडजेसेंट एंगल की कंडीशन हमें पता है, देर आर थ्री कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन क्या है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स. अगर हम एंगल वन और एंगल टू में देखें तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स. बट एंगल वन की वर्टेक्स हम देखें तो उसकी वर्टेक्स यहां पर है, एंड एंगल टू की वर्टेक्स देखें तो उसकी वर्टेक्स यहां पर है. सो दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स, मींस एंगल वन एंड एंगल टू आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. क्लियर. सो एंगल वन एंड एंगल टू आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यहां पे रॉन्ग प्रूव हो गई, तो सेकंड पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है कि उन दोनों में कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है. सो दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. क्लियर. अवर क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, सो फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. ओके,
देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ओके, सो यहाँ पे टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक एंगल की मेजर हमें गिवन है दैट इज 55 डिग्री. ये 55 है तो ऑब्वियस है कि दिस एंगल भी क्या होगा, 55 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमने देख चुके हैं. सो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, एक्स भी क्या हो जाएगा आपका 55 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली, रीजन आपको लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, इसके वर्टिकली अपोजिट क्या है, ये एक्स जो एंगल है वो. सो एक्स भी क्या हो जाएगा आपका 55 डिग्री. नाउ एक्स प्लस वाई में करूंगा, एक्स प्लस वाई तो आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर, बिकॉज दीज टू आर एडजेसेंट एंगल्स, और जब मैं इनका प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मींस 180 डिग्री मिलेगा. ओके, सो इसका हम यूज करते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों होगा ऐसा, बिकॉज ऑफ दे फॉर्म लीनियर पेयर. ओके, दे फॉर्म लीनियर पेयर. ओके, देन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 55 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर, प्लस 55 है इक्वल टू क्या होना जाएगा तो माइनस 55, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री. सो यू विल गेट वाई ओवर हियर इज 180 माइनस 50 इज 130, 130 माइनस 5 इज 125 डिग्री. सो वाई की वैल्यू भी हमें मिल गई, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन इन दोनों एंगल का हमने यूज किया बाय लीनियर पेयर, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 180. ओके, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. ओके, देन वाई इज इक्वल टू जेड, वाई बिकॉज दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो जितना वाई होगा उतना ही क्या होगा, जेड होगा. ओके, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो जेड इज इक्वल टू 125. वाई, बिकॉज दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर, सो योर एंगल जेड इज 125 डिग्री. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पार्ट. नाउ दिस इज आवर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. ओके, सेम क्वेश्चन है हमें, किनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंगल्स एक्स वाई एंड जेड की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो अब यहां पे फिर से आपको दो लाइन इंटरसेक्ट दिखाई दे रही है, फर्स्ट लाइन दिस एंड सेकेंड लाइन दिस. आपको ये एंगल गिवन है दैट इज 40 डिग्री, सो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, दिस वन, और ये भी कितना होगा आपका 40 डिग्री होगा. ओके, ये वाली लाइन दिस वन एंड दिस लाइन इज दिस वन, ये गिवन एंगल है आपको 40 डिग्री, सो ये एंगल भी क्या होगा आपका 40 डिग्री, और यहां पे इस एंगल का नेम क्या है, जेड, तो जेड भी आपका क्या हो जाएगा 40 डिग्री. सो Z इज इक्वल टू 40 डिग्री, विच रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर, सो ये हमें फाइंड हो गया, Z इज इक्वल टू 40 डिग्री. देन अब आप Z प्लस Y करो, Z प्लस वाई करेंगे तो हमें किसकी पेयर मिलेगी, लीनियर पेयर. ओके, बिकॉज Z प्लस वाई करने से आपको ये क्या फॉर्म करता है, स्ट्रेट लाइन, सो दीज आर लीनियर पेयर. Z, नाउ Z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर, सो जेड की वैल्यू तो हमें गिवन है दैट इज 40 डिग्री
plus y is equal to 180 degree. प्लस 40 है इक्वल टू के वहां जाएगा तो माइनस 40 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री सो यू विल गेट 180 माइनस 40 इज 140 डिग्री सो वाई ओवर हियर इज 140 डिग्री क्लियर तो यहां पे आपको क्या फाइंड हो गया वाई भी फाइंड हो गया क्लियर जेड और वाई में हमने कौन सी पेयर यूज की लीनियर पेयर बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स अब अगर हम दो लाइंस देखें दिस लाइन एंड दिस लाइन तो ये एंगल का तो हमने यूज कर लिया अब ये एंगल भी किसके इक्वल होगा आपका दिस वन ये एंगल किसके इक्वल होगा दिस वन सो एंगल वाई जो है वो किसके इक्वल होगा एक्स प्लस 25 वाई किसके इक्वल होगा क्योंकि ये एंगल जो है वो टू में डिवाइडेड है दिस होल एंगल इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स This first one is x and second one is 25. So this whole angle is equal to the addition of these two angles. Okay? So y is equal to y किसके equal होगा x plus 25 degree. Clear? y किसके equal होगा x plus 25 एंड y की वैल्यू हमें गिवन है हमने फाइंड की है दैट इज 140 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 25 डिग्री ओके सो x क्या होगा 140 माइनस 25 140 डिग्री माइनस 25 सो x क्या रहेगा 140 में से 20 माइनस करेंगे तो 120 then minus 5 so we'll get 115 degree so यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल गई एक्स की भी वैल्यू मिल गई एक बार रिपीट कर लेते हैं ओके गिवन फिगर में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई एंड जेड की ओके सो फर्स्ट हमने क्या लिखा है कि जेड क्या होगा 40 डिग्री होगा क्यों होगा जेड 40 डिग्री बिकॉज दीज टू लाइन आर इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट ओके एंड वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल सो 40 डिग्री इज इक्वल टू जेड सो जेड भी क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा रीजन हमने लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्लियर सेकेंड हमने देखा कि एंगल जेड एंड एंगल वाई तो क्या फॉर्म कर रहे हैं एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ओके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं सो एंगल जेड प्लस एंगल वाई करने से मुझे क्या मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा रीजन हमने लिख दिया क्या लीनियर पेयर सो जेड की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली दैट इज 40 वो हमने पुट कर दी और वाई हमें करना है फाइंड एंड इक्वल टू 180 सॉल्व करने से आपको क्या मिला वाई इज इक्वल टू 140 अब वाई क्या मिला आपको 140 डिग्री मिला दिस एंगल इज इक्वल टू दीज टू एंगल्स ओके एंड दीज टू एंगल्स आर एक्स प्लस 25 ओके एक्स एंड 25 सो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 हमें वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली दैट इज 140 इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 सो एक्स इज इक्वल टू 140 माइनस 25 सो वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू 150 ओके